देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। क्या एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बना पाएगी? क्या मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? या फिर क्या विपक्ष एनडीए को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो पाएगा? इन सवालों का जवाब तो 4 जून को मिलेगा, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। किसका गणित क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। भारत में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का आंकड़ा काफी है, लेकिन 2024 के चुनावी समर में एनडीए की ओर से बीजेपी ने 400 पार का दावा कर दिया, जबकि विपक्षी गठबंधन बीजेपी के 150 से 250 तक ही सीमित रखे हुए हैं। आज अंतिम चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी ने फिर 400 पार या 400 के करीब का दावा कर दिया है। बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बीजेपी और एनडीए 400 पार जाएंगे। बीजेपी के इस दावे के खिलाफ कांग्रेस शुरू से ही मोर्चा खोले हुए है। अधीर रंजन चौधरी का दावा है कि एनडीए इस दफा सत्ता से बाहर होने जा रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी का 400 पार का नारा रास नहीं आया और वो मीडिया पर ही तंज कसने लगे। हालांकि जहां तक 2019 के नतीजों का सवाल है, तो बीजेपी का दावा 300 पार का था, जो सही साबित हुआ। लिहाजा 400 पार के नारे पर बीजेपी पूरी दमदारी बनाए हुए है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।